Hello everyone, welcome back in video 2 of chapter from the diary of Anne Frank. So video part 2 mein humne do parts cover kar liye the till here with the entire explanation, important sentences, important lines. So covering ahead, covering the remaining part of the chapter. Saturday 20 June 1942. Dearest Kitty, so this is the diary entry she has made on 20th of June. Our entire class, so 20 June ki diary kiske bare mein thi? The result declaration day. The result declaration aane wala hai, to result declaration ko lekar sabki jo anxiety hai usko lekar ye day marked hai, jisme wo apne apne experience share kar rahe hain. Our entire class was quaking in its boots. Quaking in its boots का मतलब है जैसे क्या होता है, हम कभी कभी डरे होते हैं तो पैर हिल रहे होते हैं. पैर हिलने की वजह से क्या होता है, आवाज़ करता है वो, शूज़ वगैरह आवाज़ करते हैं, तो उसे ही बोला जाता है डरना. ठीक है ना, डर की वजह से वो नर्वस थे और इसलिए कपकपाहट छूट रही थी काफ़ी बच्चों की. द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग. फोर्थ कमिंग मतलब आने वाली मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड will move up to the next form. Next form मतलब next class में कौन चढ़ेगा. And will be kept back, कौन detain रहेगा. Detain का मतलब पीछे ही रोक लेना. Detain का मतलब होता है रोक लेना. ठीक है, DETAIN, detain. Half of the class is still making bets. और आधी class किस में लगी है, bet लगाने में. GN किसी बच्चे का short form में दिया हुआ है name. GN and I laugh ourselves silly at टू बॉयज़ बिहाइंड अस. क्लास में उसी की सीट के पीछे दो बॉयज़ बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे, क्या नाम था उन लड़कों का, सी एन एंड जैक्यूस, जैक्यूस. ठीक है, हु हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट. और उन्होंने क्या करा है, पूरा जो हॉलीडे में अपना पैसा बचाया हुआ था वो सारा उन्होंने शर्त लगा के गवा दिया. गवा दिया मतलब शर्त पर लगा दिया है. ठीक है, जो उन्होंने अपने हॉलीडेज में सेव किए होंगे, वट एवर फॉर द थिंग्स दे वॉन्टेड टू डू. ठीक है, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, आई एम नॉट, येस यू आर, आई एम नॉट. तो पूरा सुबह से लेकर शाम तक छुट्टी होने वाली होती है, पूरा जो स्कूल टाइम रहता है सबका दिमाग ध्यान कहाँ है, बस ये डिस्कस करने में कौन पास होगा कौन नहीं होगा. इवन जी प्लीडिंग glances and my angry outburst can't calm them down. कई बार तो जी जो उसकी फ्रेंड है उसने भी, जो जी एन है उसने भी रिक्वेस्ट कर दिया कि प्लीज चुप हो जाओ, और एन फ्रैंक ने तो गुस्से में भी बोल दिया चुप हो जाओ, पर नहीं वो तो नहीं माने. इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मैनी डमीज, ऐसे नमूने जैसे बोलते हैं ना शो पीस, नमूने, तो डमीज ऐसी बहुत सारी है मेरी क्लास में, अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास दैट शुड बी. और ऐसे बहुत सारे नमूने हैं क्लास में जो पीछे ही रहने चाहिए, मतलब डिटेन्ड ही रहने चाहिए, आगे साथ में जाए ही ना क्लास में. बट टीचर्स आर टीचर्स, और टीचर्स को एन फ्रैंक ने क्या स्टेटस दिया है, मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. टीचर्स का कुछ नहीं पता होता कब तो गुस्सा करने लग जाओ, कब हंसी से बात करने लग जाए. ठीक है ना, तो उनका कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता. I am not so worried about my girlfriends. यहाँ पे दूसरे कंटेक्स्ट में नहीं हो रहा है, सिंपली कि जितनी भी फ्रेंड्स जो कि गर्ल्स हैं, जितने भी बॉयज़ वहाँ पे जो हैं, ठीक है, उसको वो डिनोट करेगी एज बॉय फ्रेंड्स, और यहाँ पे गर्ल फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या है, जितनी भी लड़कियाँ उसकी दोस्त हैं. एंड माई सेल्फ, हम तो परेशान नहीं हैं, हम तो पास हो ही जाएंगे. सिर्फ एक सब्जेक्ट जिसको लेकर वो श्योर नहीं है वो है मैथ्स. एनी वे All we can do is wait. नहीं भी हैं तो लेकर परेशान थोड़ी होंगे, देखा जाएगा जो होगा. They are just like that. ठीक है, Until then, we keep telling each other not to lose heart. उम्मीद मत खोना बेटा. Don't give up. Don't give up. I get along pretty well. मुझे अच्छे से याद है with my teachers that I have good relations. यहाँ पे get along pretty well का मतलब होता है maintaining good relations. गुड रिलेशंस, अच्छे रिलेशंस रहे हैं मेरे टीचर्स के साथ. दे आर नाइन ऑफ देम, नाइन टीचर्स हैं, सेवन मैन एंड टू वेमेन. मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी मतलब पुराने फैशन जो होते हैं ना, स्ट्रिक्ट टीचर्स, ओल्ड एज टीचर जो होते हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं डिसिप्लिन को लेकर, चीज़ों को लेकर, फन लविंग नहीं होते हैं वो लोग इतने. ठीक है ना,
हु टीचर्स मैथ्स, जो कि हमें मैथ्स पढ़ाते हैं, वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस, जमानों से, सदियों से वो मुझसे गुस्सा हैं, बिकॉज आई टॉक्स टू मच. गर्ल हैं, बात तो करेंगी, लड़कियां हैं हम तो. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क. इतनी वार्निंग के बाद उन्होंने मुझे क्या करना शुरू करा, एक्स्ट्रा होमवर्क देना शुरू कर दिया. सबसे पहले एसे दिया, पॉइंट नंबर वन मार्क कर लो यहाँ पे, हैशटैग वन कर लो, याद आ जाएगा इस लाइन में, और अंडरलाइन कर लेना. अ चार्टर बॉक्स टॉपिक दिया, चार्टर बॉक्स व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट. अब वो कहती है एक चार्टर बॉक्स के ऊपर मुझे लिखने के लिए दिया, मैं क्या बोलूँ, क्या लिखूँ उसके ऊपर. आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, ठीक है उसके बारे में बाद में सोचेंगे. आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, नोटबुक लिख लिया जो टीचर ने होमवर्क दिया, होमवर्क लिख लिया द चार्टर बॉक्स या चार्टर बॉक्स. बैग में रख दी वो नोटबुक एंड ट्राई टू कीप क्वाइट. फिर उनकी क्लास में पढ़ी नहीं, कॉपी रख दी बैग में. बच्चे देखो कितने होशियार हैं, और टीचर भी, कोई बात नहीं बेटा कॉपी बैग में रख दो, ठीक है, चुप बैठने की कोशिश की. दैट इवनिंग, उसी शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क. यहाँ पे क्या है, स्कूल्स क्या है, आफ्टरनून में ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो होमवर्क इतना दे देते हैं कि बच्चे की शाम भी स्पॉइल कर देते हैं. वहाँ पे स्कूल्स में होमवर्क सिस्टम कम है, सेल्फ स्टडी करनी है तो करो, पर वहाँ पे स्कूल क्या है, सुबह लग जाते हैं और शाम को एक ही बार छुट्टी होती है. ऐसा नहीं है कि वो बार बार क्या करते हैं, होमवर्क दे रहे हों, सुबह तक, सुबह से शाम तक पढ़ो भी और होमवर्क भी करके लाओ, ठीक है ना. तो ऐसा सिस्टम उसमें वहाँ पे नहीं है फॉरेन में, ये अच्छी चीज़ है. इनफैक्ट टक्ड इट इन माई बैग एंड केप्ट क्वाइट. दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जो भी थोड़ा बहुत होमवर्क मिला था वो ख़त्म किया. द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई. अच्छा याद आया, अरे यार एसे भी तो लिखना है. तो मैं सोचने लगी, ठीक है, फाउंटेन पेन की जो टिप होती है उसको चबाते हुए, ठीक है, खाते खाते उसको. एनीवन कुड रैम्बल ऑन, रैम्बल ऑन का मतलब है कुछ भी लिखना चाहो तो कितना भी लंबा लिख दो. एंड इवन लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स. ज़्यादा बड़ा लिखना है तो स्पेसेस ज़्यादा कर दो. जैसे कॉलेज में बच्चे क्या करते हैं, शीट भरनी होती है, शीट के हिसाब से मार्क्स मिलते हैं, तो बड़ी बड़ी बाउंड्री इधर की तरफ, बड़ी बड़ी बाउंड्री इधर की तरफ, फिर वहाँ लिख रहे होते हैं बीच में, ठीक है ना. तो जस्ट लाइक दैट, खुला खुला लंबा लंबा आंसर लिखने के लिए. बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट. बट आइडिया क्या था, दिमाग में क्या था, पर ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना. अब पंगा लिया है तो ठीक से लेंगे पंगा. तो उसने कहा ऐसा आर्ग्यूमेंट लिखूंगी कि उनको भी लगे कि हाँ बात करना ज़रूरी है. उनको प्रूफ करना था कि भैया बात करना ज़रूरी होता है, चुप रहना नहीं होता ज़रूरी. आई थॉट एंड थॉट और सडनली मुझे एक आइडिया आया. उसके बाद तो मैंने 3 पेज लिख दिए मिस्टर कीजिंग को के होमवर्क में जो उन्होंने दिया था. सोचो जहाँ एक आइडिया नहीं आ रहा था वहाँ 3 पेज लिख दिए. एंड वॉज सैटिस्फाइड, बड़ा मज़ा आया लिख के. आई आर्ग्यूड, उसमें वो कहती है कि मैंने लिखा कि बातें करना ना एक स्टूडेंट का ट्रेट होता है, कितना ही चुप करा लो वो बात करेगा ही करेगा, कुछ ना कुछ उसके पास होगा डिस्कस करने के लिए. एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. और ये भी लिखा कि हाँ जितना कम बोला जाएगा उतना कम बोलने की मैं कोशिश करूँगी, पर हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, ऊपर से लड़की हूँ, तो बात नहीं करूँगी तो कैसे चलेगी मेरी ज़िंदगी में, सांस कैसे लूँगी. But that I would never be able to cure myself of the habit. पर मैं अपनी इस आदत को नहीं सुधार सकती. Since my mother talked as much as I did, if not more. अगर ज़्यादा नहीं तो मेरी मम्मी भी मेरे जितना तो बात करती हैं. तो ये मेरे अंदर क्या है, वो क्या कहना चाह रही है कि inheritance है. अब ये blame किस पे कर रही है, वो अपना inheritance पे, कि भाई inherited है. And that there is not so much you can do about inherited traits. ये तो मेरे अंदर transfer हुआ है मेरी मम्मी से, ठीक है ना. Mr. Keating had a good laugh at my argument. जब उन्होंने वो सारी चीज़ें पढ़ी, पूरा 3 पेज पढ़े, तो उन्हें काफ़ी हंसी आई. एक स्ट्रिक्ट टीचर हंस रहा है. सबसे मज़ेदार तो क्लास की बात यही होगी. वैसे यहाँ पे तो बूढ़ी सी दिखा रखी है एन फ्रैंक, पर इतनी बूढ़ी वो थी नहीं, ठीक है ना. Mr. Keating had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, पर अगले लेसन में, अगले क्लास में फिर से बात करना शुरू, उन्होंने मुझे एक सेकेंड ऐसे और दे दिया. एंड इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. इनकॉरिजिबल मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता, ढीठ एकदम, ठीक है ना. आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons. पूरे 2 लेसन तक कुछ नहीं. उन्होंने कहा इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, उसके ऊपर भी बहुत शानदार उन्होंने पीस ऑफ राइटिंग लिख दिया. 2 लेसन तो अगले कुछ नहीं बोले. हाउएवर थर्ड लेसन फाइनली, उसके बाद का मतलब एक लेसन में से उसे टोक दिया, दूसरे में भी उसे काम दे दिया, फिर 2 में कुछ नहीं दिया. अब जो तीसरा लेसन आया, ठीक है, थर्ड डे आया बेसिकली वो थर्ड डे क्या हो गया, फिफ्थ डे हो गया ना इस सीक्वेंस में. तो फिफ्थ डे
आई हैड फाइनली हैड इनफ, अब तो बहुत हो गया. एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास राइट एन एसे एंटाइटल, एक ऐसे लिखना है क्वैक 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 सेड मिसेस चैटरबॉक्स. तो ये उसका क्या था, हेडिंग था. अब पूरी क्लास तो हंस पड़ी, द क्लास रोड, तो रोड इन लाफ्टर, रोड इन लाफ्टर. आई हैड लाफ टू, तो उसे भी हंसी आ गई. दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युटी ऑन द टॉपिक, ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स. इंजेन्युटी मतलब ओरिजिनैलिटी, कि बस और इससे ज़्यादा मैं क्या लिखूंगी चैटरबॉक्स के बारे में, एक ही टॉपिक बार बार दिए जा रहे हैं. इट वॉज अ टाइम अप टू कम विद समथिंग एल्स, कुछ नया कुछ ओरिजिनल होना चाहिए. माई फ्रेंड सैन, वो एन है, ये सैन है. एन को पोएम बहुत अच्छी लिखनी आती है, गुड है, अच्छी है पोएट्री में. ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स, ठीक है. तो बेसिकली उसने शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी उस टॉपिक के ऊपर उसने क्या बना दी, एक पूरी एक पोएम बना डाली. वर्ड्स का मतलब पोएम में, पोएट्री फॉर्म में. एंड आई जंप फॉर जॉय, बड़ी खुशी हो रही थी लिखकर उसमें. मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मेरे से मजाक करेंगे, टपू से मजाक. अब उन्होंने टपू का रूप देखा, टपू इज हेयर एंड फ्रेंड विद दिस रिडिक्यूलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज इन हिम, ठीक है. तो मैं सबसे पहले आपको मार्क करा देती हूँ हैशटैग टू, ये सेकंड टॉपिक था, और ये था हैशटैग थ्री, ठीक है. तो अब की बार था वो मेरा मजाक उड़ा रहा ना पूरी क्लास के सामने, अब मैं बताती हूँ मजाक, ठीक है. आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज अबाउट अ मदर डक. तो थीम क्या थी उसकी, थीम दे दी, थीम दे दी पोएम की, ठीक है. मदर डक के बारे में थी, और फादर स्वान था, जहाँ पे तीन डकलिंग्स थे, और वो इतना क्वैक 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 करते थे. तो एक दिन फादर को गुस्सा आया और उन्होंने उनको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि वो मर गए, ठीक है. तो इसके ऊपर था. लकली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक राइट अवे, ठीक है, समझ में आ गया ये उनको कि यहाँ पे मिस्टर कीजिंग कौन है, फादर स्वान कौन है, मिस्टर कीजिंग. वो उसको इतना तंग कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं कि वो क्या कर देंगे, उसको मारने की कोशिश आ जाए, ठीक है. ही रेड द पोएम टू द क्लास, पूरी क्लास को वो पोएम सुनाई, अपने कमेंट्स भी ऐड करे, जैसे होता है ना, अच्छा मुझसे पंगा या कुछ ऐसा, जो भी कुछ भी कह सकते हैं, अपने कमेंट्स भी ऐड करे उस चीज़ को और स्पाइसी और कॉमिक बनाते हुए. एंड टू द सेवरल अदर क्लासेज, और मेरी क्लास में नहीं, अदर क्लासेज में भी सुनाई. उस दिन के बाद से उन्होंने कहा बेटा तुम बात करो जितना तुमको बात करना है, कभी मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट. ऑन कॉन्ट्रारी मिस्टर कीजिंग तब से लेकर अब तक जोक्स करना बंद उन्होंने नहीं किया, बहुत जोक करते हैं, ठीक है. तो ये पूरी एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है, और लिखी गई है बाय एन, ठीक है. स्लाइट अडेप्टेशन का मतलब है कि थोड़ा सा चीज़ों को फेवरेबल, जहाँ पे कट पेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सा एडिटिंग पार्ट एंड ऑल दैट, ठीक है. सो आई होप द चैप्टर वॉज एब्सोल्यूटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है. कुछ क्वेरीज हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा. ऑल राइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय.